देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे है, सोचा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मन ने ना मारा था भाई। जितना बबीता ने मारा है, शुरुआत इन्ना करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था बबीता ने कमीनी, हम ना बिता दिए दो चार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दंगल मूवी की फिल्म की शूटिंग लुधियाना के एक गांव में हुई थी? और क्या आपको यह पता कि फिल्म के किरदार चारों लड़कियों को कुश्ती सीखने के लिए 6-7 महीनों के लिए ट्रेनिंग दिलवाई गई थी? दोस्तों, इस वीडियो में आपको दंगल मूवी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स सुनने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह फिल्म महावीर सिंह फोगाट की असल जिंदगी पर फिल्म है, जिसने 6 लड़कियों को दंगल लड़ने के लिए तैयार किया था। इन सभी लड़कियों ने अलग अलग मकाम हासिल करके मेडल जीते हैं। फिल्म की शुरुआती शूटिंग के लिए आमिर खान ने 28 किलो वजन बढ़ाया था। इसके बाद फिल्म में जवान दिखने के लिए आमिर खान ने 20 हफ्तों के अंदर 25 किलो वजन कम किया था। महावीर सिंह की बेटियों के लिए लगभग 3000 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था। दंगल फिल्म चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों से अलग फिल्म रही है। साक्षी तंवर को फोन कर मजाकिया तौर पर फिल्म में काम करने का ऑफर मिला था। बाद में उन्हें आमिर खान से मिलकर फिल्म में रोल की सच्चाई का पता चला था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में यह फिल्म टैक्स फ्री रिलीज हुई थी। फिल्म की किरदार चारों लड़कियों को कुश्ती सीखने के लिए 6-7 महीनों के लिए ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। फातिमा सना शेख वही लड़की है जिसने चाची 420 फिल्म में कमल हसन और तब्बू की बेटी का किरदार निभाया था। फिल्म में पहले ट्रेलर ने 15 घंटों के अंदर 4.5 मिलियन व्यूज बटोर लिए थे। मल्लिका शेरावत ने भी इस फिल्म में रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन निर्माताओं ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। साक्षी तंवर को फिल्म में रोल के लिए आमिर खान की मां ने चुना था। इस फिल्म की शूटिंग लुधियाना के एक गांव में हुई है। फिल्म की अभिनेत्रियों ने असल में अपने बाल किरदार के मुताबिक ढलने के लिए कटवा लिए थे। चीन में रिलीज होने के बाद दंगल फिल्म ने बाहुबली 2 फिल्म की दुनिया भर की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। यह मूवी रिलीज हुई थी 23 दिसंबर 2016 को। इसमें कलाकार थे फातिमा सना शेख, साक्षी तंवर और आमिर खान। इसके निर्देशक थे नितेश तिवारी। इस मूवी का बजट था 90 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 2001 करोड़ रुपए। यह मूवी ड्रामा, एक्शन, खेल और जीवनी पर आधारित है। अगर बात करें कहानी की तो दंगल फिल्म एक पहलवान महावीर फोगाट और उनकी बेटियों की असल जिंदगी पर आधारित है। महावीर फोगाट समाज के नियमों के खिलाफ जाकर अपनी दोनों बेटियों को पहलवानी सिखाते हैं और उनको विश्व विजेता बनाते हैं। इस उपलब्धि के बाद वो दोनों गांवों की बाकी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। दंगल फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म बिना छुट्टी के दिन रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई करने में दूसरे स्थान पर रही थी और 3 ही दिन में फिल्म ने 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर ली थी। दूसरे सप्ताह में भी कलेक्शन के बिना गिरावट के फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है। फिल्म की अलग कहानी और किरदारों की बदौलत इस फिल्म ने विदेश में बहुत बड़े पैमाने पर कमाई की थी। इसके साथ साथ दंगल फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। दंगल की दुनिया भर की कलेक्शन 500 करोड़ से ज़्यादा है और यह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। चीन में दंगल फिल्म की रिलीज होने से फिल्म ने 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा अधिक कमाई करने में सफलता प्राप्त की थी। इसमें आमिर खान महावीर फोगाट के रूप में हैं, साक्षी तंवर महावीर की पत्नी के रूप में हैं, फातिमा सना शेख गीता फोगाट के रूप में हैं, जायरा वसीम छोटी गीता फोगाट के रूप में हैं। दोस्तों, मूवी से जुड़े फैक्ट्स और बहुत सारी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।